सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह, बिहार बोर्ड 2024 की तैयारी कर रहे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए रसायन शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि पी ब्लॉक से है, तो पी ब्लॉक के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम समाधान करेंगे और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आप भी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है पी ब्लॉक से कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। ए ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, बी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फर्स्ट का क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड ऑप्शन, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में फॉस्फोरस पीओपी की बंध संख्या होगी, मीन्स साइक्लिक चक्रीय को साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी बंध की संख्या है। तो इसमें याद रखेंगे कि बच्चों कि पीओपी की बंध की जो संख्या होगी वो होगा 3। निम्न में से किसके आयनन विभव का मान अधिकतम है? तो थर्ड का ऑप्शन एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस मैग्नीशियम में फॉस्फोरस का आयनन विभव का मान जो होगा वो अधिकतम होगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो अमोनिया हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जल हाइड्रोजन बंधन बनाता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन बंधन बनाता है। तो इसमें सी ऑप्शन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ये सी ऑप्शन करेक्ट है कि हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। अब अगला क्वेश्चन है P4O10 में सिग्मा बंध की संख्या होगी, मतलब P4O10 में सिग्मा बंध की संख्या है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन 16, सी 20, डी 7। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो 16, बी। P4O10 में सिग्मा बंध की संख्या होगी 16। निम्न में से किन स्पेसीज का आबंध क्रम 2:1:2 होता है, मतलब 2.5, 2:1:2 व इसको 2. या 2.5। तो इसमें ऑप्शन होगा ए ऑप्शन में N2 प्लस है, बी ऑप्शन में O2 प्लस है, सी ऑप्शन में O2 माइनस है, डी ऑप्शन में N2 माइनस है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब सेवेंथ क्वेश्चन है HCF4 का आकार होता है। ए ऑप्शन चतुष्फलकीय, बी स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतली, सी पिरामिडल, डी लिनियर। तो ऑप्शन बी स्क्वायर प्लेनर होगा HCF4 का आकार। स्क्वायर मतलब वर्ग समतली, या इसको आप लिख सकते हैं वर्ग समतली या वर्ग समतली, वर्ग समतली, ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा, वर्ग समतली। स्क्वायर प्लानर मींस वर्ग समतली, वर्ग समतली। सो बी ऑप्शन 7 का। एक श्रृंखला गुण सबसे अधिक होता है, मींस इसमें कौन सबसे ज्यादा श्रृंखला गुण शो करता है? यहां कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं होने के वजह से फास्फोरस इसमें सबसे अधिक श्रृंखला गुण प्रदर्शित करेगा। श्रृंखला गुण सबसे अधिक होता है फास्फोरस। अब नाइन्थ क्वेश्चन है अमोनिया को शुष्क किया जाता है। तो बच्चों अमोनिया H2SO4 से अभिक्रिया कर जाता है तो अमोनियम सल्फेट बनाता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया अमोनियम फास्फेट देता है क्या, और निर्जरीय CaCl2 से भी अमोनिया अभिक्रिया कर जाता है। तो शुष्क किया जाता है केवल कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड से ही अमोनिया को शुष्क किया जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस में आपको P4O10 दिखाई देंगे, कहीं H2SO4 दिखाई देंगे, तो आप आंख बंद करके CaO को चिन्हित करेंगे। 10 क्वेश्चन है H3PO2, H3PO3, H3PO4 की क्षारकता का क्षारकता क्रमशः है। तो बच्चों H3PO2 की क्षारकता 1 होती है, H3PO3 की क्षारकता 2 होती है, H3PO4 की क्षारकता 3 होती है। तो इसको एकदम ऑप्शंस में आपको या कभी ये देके पूछेगा क्षारकता कितनी होती है तो 2, ये देके क्षारकता पूछेगा तो 1, फास्फोरिक एसिड देके क्षारकता पूछेगा तो 3।
तो हमने तीनों को एक साथ लिया है तो HCPO2, HCPO3, HCPO4 की क्षारकता क्रमशः A, मतलब इसका एक, इसका दो, इसका तीन। व्हाइट फास्फोरस अणु में इनमें क्या सही नहीं है? 6 PP सिंगल बॉन्ड जो कि होता है, 4 lone pair इलेक्ट्रॉन जो कि होता है, डी में दिया है बॉन्ड कोण 60 डिग्री, ये जो है 60 डिग्री ये भी होता है, लेकिन 4 PP सिंगल बॉन्ड नहीं होते हैं, सो सी ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। 12th में कौन सा हाइड्राइड द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए बच्चों, इसमें बी द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, सी द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, HI द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, केवल हाइड्रोजन फ्लोराइड में अंतरणविक हाइड्रोजन बंद बनने के कारण ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा? ए ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बोरन ट्राइफ्लोराइड, ClO2 और CH2Cl2। तो इसमें 13 का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, बोरन ट्राइफ्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। 14th क्वेश्चन है, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, तो इसमें जो होगा बच्चों, इसमें H2SiF6। निम्न में कौन प्रबल लुईस अम्ल है? इसमें ध्यान दीजिएगा, तो Bi3 जो है प्रबल लुईस अम्ल हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 15th क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब 16th क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण MCQ है। MCQ में है HCPO3, 16th H3PO3 है एक H3PO3 है एक। ये ऑप्शन बच्चों है एक भास्मिक, ये में एक भास्मिक और बी में द्विभास्मिक और सी ऑप्शन है त्रिभास्मिक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया भास्मिकता के क्रम में H3PO2 ये क्या होता था, एक भास्मिक, H3PO3 ये कैसा भास्मिक था, द्विभास्मिक, और H3PO4 ये कैसा भास्मिक है, त्रिभास्मिक। तो यहां पर H3PO3 दिया है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका द्विभास्मिक। H3PO3 कैसा है, द्विभास्मिक है, तो इसको याद रखेंगे। अब है 17th क्वेश्चन, किसमें पी पाई डी पाई बंधन पाया जाता है। पी पाई डी पाई बंधन किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका है नाइट्रेट आयन में, बी ऑप्शन है आपका सल्फाइड आयन में, सी ऑप्शन है आपका कार्बोनेट आयन में, डी ऑप्शन है आपका बोरेट आयन में हो गया। तो बच्चों यहां देखिए, सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसमें
सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, देखिए नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3, मतलब इसमें डी नहीं है, इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें डी है, तो इसमें क्या होगा, पी पाई डी पाई बंधन पाया जाएगा। 18th है बोरेक्स का रासायनिक नाम है, बोरेक्स, बोरेक्स का रासायनिक नाम है, बोरेक्स का रासायनिक नाम है, ए ऑप्शन है सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम, ए ऑप्शन सोडियम टेट्राबोरेट, बी ऑप्शन हो गया आपका सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सी ऑप्शन हो गया आपका सोडियम ऑर्थोबोरेट, सोडियम बोरेट, ऑर्थो बोरेट, और डी ऑप्शन है आपका सोडियम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट, Na2B4O7 × 10H2, ये सोडियम टेट्राबोरेट है, ये इसका फॉर्मूला Na2B4O7 × 10H2, ये सोडियम टेट्राबोरेट हो गया, सो बोरेक्स का ये रासायनिक नाम है। 18th क्वेश्चन हुए, अब 19th क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए, जो अब 19th क्वेश्चन में, 19th क्वेश्चन इसमें है निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, इनमें से कौन नेस्लर अभिकारक के साथ भूरा अवक्षेप देता है। तो बच्चों देखिए यहां पर पोटेशियम HgI4, इसको बोलते हैं नेस्लर अभिकर्मक, जब ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है NH3 के साथ तो देता है क्षारीय माध्यम में KOH के प्रेजेंस में, तो बनता है आपका 7Ki प्लस Hg2ONH2I, जिसको बोलते हैं भूरा अवक्षेप, यही भूरा अवक्षेप हुआ, भूरा अवक्षेप, और इसको मिलन भस्म भी बोलते हैं, मिलन भस्म का आयोडाइड भी बोला जाता है, तो और प्लस H2, ये आयोडीन है यहां पर, तो ये नेस्लर अभिकर्मक है, ये हो गया नेस्लर अभिकर्मक। तो नेस्लर अभिकर्मक के साथ कौन पूरा या भीरा अवक्षेप देता है, तो ए ऑप्शन आपका दिया गया है A is CO2, बी ऑप्शन आपका दिया गया है, बी ऑप्शन में अमोनिया, सी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है आपका पोटेशियम आयोडाइड। तो नेस्लर अभिकर्मक ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके पीला और भूरा अवक्षेप देता है, अमोनिया, तो यहां ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। ओके,
अब जो है हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 20th क्वेश्चन। बिस्मथ की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या है, बिस्मथ की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है बीआई बिस्मथ। तो ए ऑप्शन है आपका +3, बी ऑप्शन है आपका +5, सी ऑप्शन है +3 और +5 और +5 +3 और +5, डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा +3। ओके, और कौन सी धातु नाइट्रेट, 21 है, कौन सी धातु का नाइट्रेट उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस देता है। ए ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है आपका कॉपर नाइट्रेट, सी ऑप्शन है बेरियम नाइट्रेट और डी ऑप्शन है HgNO3 का नाइट्रेट। तो बच्चों पिछले ऑप्शन में हमने ये मारा टिक किया था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत में, लेकिन आप याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट को। अब 22, किसका प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने रिपीट कर दिया, ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। ए ऑप्शन हो गया आपका SN का, बी ऑप्शन हो गया आपका टिन का और सी ऑप्शन हो गया आपका आयरन का, डी ऑप्शन हो गया लेड का। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन, लेड का प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है, लेड Pb। 23 क्वेश्चन है, कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल है, ज्यादा प्रबल होता है। तो इसमें ए है FF, बी हो गया आपका ClCl, क्लोराइड, ओके ClCl, सी ऑप्शन है आपका आयोडीन का बंध और डी ऑप्शन है ब्रोमीन का बंध। तो ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है, ClCl का बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। अब प्रश्न है 24 प्रश्न है, क्वेश्चन 21,
क्वेश्चन 20th, है आपका अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। ए ऑप्शन है H2O, बी ऑप्शन है O2, सी ऑप्शन है NaCl एंड डी ऑप्शन है बेंजीन C6H6। तो बच्चों ये प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, ये भी प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, प्रतिचुंबकत्व। बेंजीन प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, वाटर प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व। वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन ये सब प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, इसलिए अनुचुंबकत्व कौन प्रदर्शित करेगा? बी, आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। बी जो है वो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। ओलियम में अब 25 क्वेश्चन है। ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव होता है? ये H2SO4 के साथ कौन सा अवयव होता है? ए ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सी ऑप्शन है आपका H2S, और डी ऑप्शन है सल्फेट आयन। तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस SO3 मिलने पर बनता है आपका H2, दो S मिला तो क्या हुआ S2, और O4 और O3 O7, इसी को ओलियम कहा गया, ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल इसको, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव है? SO3 मिला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन नंबर। सभी क्वेश्चन को बारीकी पूर्वक बनाने का प्रयास करें। प्रश्न है 26। Na2S2O7 Na2S2 हाइपो खासकर Na2S2O3 प्लस I2 से एक यौगिक बनता है Y, प्लस सोडियम आयोडाइड। इस प्रतिक्रिया में Y कौन सा चीज है? A ऑप्शन दिया गया है सोडियम सल्फाइड, बी ऑप्शन आपका दिया गया है Na2S4O6, सी ऑप्शन आपका दिया गया है सोडियम सल्फेट Na2SO4, और डी ऑप्शन है आपका Na2S4
वो ए, ये डी ऑप्शन है। तो बच्चों इसके साथ सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयोडीन के साथ तो बनता है Na2S4O6। ओके अब 27 है क्वेश्चन, सबसे कम भास्मिक है, सबसे कम भास्मिक भास्मिक है, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NaCl3, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड, और सी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन आयोडाइड, और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो बच्चों सबसे कम भास्मिक में आप आंसर सी को ही टिक करेंगे। अब है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, प्रश्न 28, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अभिक्रियाशील क्रियाशील हो जाती है, हो जाती है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है ये कॉपर हो गया, बी ऑप्शन जिंक है, सी ऑप्शन आपका हो गया अल्मोनियम, और डी ऑप्शन है लेड। तो याद रखेंगे लेड अभिक्रियाशील हो जाती है। प्रश्न है निम्नलिखित, अब 29वां प्रश्न, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है एक, ए ऑप्शन इसमें है ऑक्सीकारक, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, बी है अकारक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब 30 है NH3 में N का संकरण है, N का संकरण है, ए ऑप्शन है sp, बी ऑप्शन है sp2, सी ऑप्शन है sp3d2, डी ऑप्शन है sp3। तो इसका प्रसंस्करण जो होगा sp3 हो जाएगा n का। अमोनिया आद्र लिटमस पत्र को 31, अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को, पत्र को किस रंग में बदल देता है, किस ये क्वेश्चन है अमोनिया, ए ऑप्शन नीला, ए नीला, बी हरा, सी काला, और डी उजला। तो अमोनिया क्षार है और क्षार लाल लिटमस पत्र को
नीले रंग में बदल देता है। अब इसके बाद उजला और पीला फास्फोरस है, 32 है, उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला पीला फास्फोरस ए है, अप्रूव ऑप्शन, बी ऑप्शन समस्थानिक, सी ऑप्शन है आपका संभारिक और डी ऑप्शन है आपका सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? अप्रूव। 33 प्रश्न। अब प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, ए संपर्क विधि, संपर्क विधि, बी ऑप्शन है ओस्टवाल्ड विधि, वाल्ड विधि, सी ऑप्शन हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, डी ऑप्शन हो गया हेबर विधि। तो बच्चों याद रखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल हमेशा ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है और संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल, हेबर विधि से अमोनिया। तो संपर्क विधि से H2SO4 का तैयारी की जाती है और यहाँ पर ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल, हेबर विधि से अमोनिया और प्रकाश संश्लेषण से स्टार्च बनता है। तो नाइट्रिक अम्ल की बात है तो ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल की तैयारी की जाती है। अब SO2 में S का प्रसंस्करण है, प्रश्न है 34, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में S का संकरण है, A है SP3, B है SP2, C है SP3D2 और D है SP। तो याद रखेंगे SP2 जो होगा SO2 का संकरण होगा। अब वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, तो चैल्कोजेन। अब बच्चों ये जो चैप्टर है चैप्टर पी ब्लॉक से है और पी ब्लॉक के तत्व से यही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो क्वेश्चन था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर डी एंड एफ ब्लॉक तथा उपसह संयोजन यौगिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी प्रश्नों के साथ। अब आप सबको थैंक यू आपकी वीडियो वॉचिंग करने के लिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।